नमस्कार जी, आपको ये जान की बहुत खुशी होगी कि हमने 2022 में 100 माइक्रो एंडोस्कोपिक स्पाइनल फ्यूजन सर्जरीज कर ली हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक रेवोल्यूशन की तरह ही है। जहां पहले लोग डरते थे कि स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, दोबारा चल नहीं पाएंगे, अब वही पेशेंट पहले से ज्यादा अच्छा जिंदगी जी पा रहे हैं और बहुत ही सेफली ये सर्जरी से वो बाहर निकल आते हैं और आम जिंदगी में चले जाते हैं। आइए मिलते हैं एक शोभा देवी जी से, जो हमारी 100वीं पेशेंट थी जिन्होंने ये एंडोस्कोपिक फ्यूजन सर्जरी कराई। वो स्टेनोसिस से पीड़ित थी, जिसने उनकी कमर में और टांगों में दर्द जाती थी। बहुत टाइम से वो ठीक नहीं हो रही थी। फाइनली उन्होंने सर्जरी कराई और अब वो कितना अच्छा महसूस कर रही है ये आप खुद ही देखें। मेरा नाम शोभा रानी है, मेरी उम्र 63 साल है। मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, लेफ्ट टांग में बहुत परेशानी होती थी, कमर से और नीचे तक। अब मेरी सर्जरी हो गई है, मैं आराम से चल रही हूँ। ठीक है, ऑपरेशन के बाद आपने कब चलना शुरू किया था? अगले दिन ही चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेशन को 2 दिन हो गए हैं, छुट्टी हो रही है आपकी? अब आराम है मुझे, बहुत बहुत आराम है। तो पाँव में जो दर्द थी ऑपरेशन से पहले, उसका क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है, अब सीधा चल पाती हूँ मैं। पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत बेहतर है। ठीक है जी, आप स्पाइन सर्जरी को लेके आपके मन में डर था कुछ सर्जरी से पहले? नहीं, डर नहीं था। हाँ जी, डर नहीं था। डॉक्टर साहब की वीडियो देखी हमने तो हमारे अंदर डर नहीं था। चलिए ठीक है, अब आप किसी और को अगर स्पाइन सर्जरी की जरूरत है तो उसको आप बोलेंगे कराने के लिए? हाँ जी, जरूर बोलेंगे। ठीक है जी, आपको पता है कि आपका 100वां केस है ये, हमने जो एंडोस्कोपिक सर्जरी से किया है। हाँ जी, आपने बताया तो हमें पता चल गया कि आपका सवाल कैसा है। एंडोस्कोपिक स्पाइन फ्यूजन सर्जरीज के बाद पेशेंट पहले दिन से ही चलने शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से सीढ़ियाँ चढ़ना, आमतौर पर लंबी दूरी तक चलना और अपने काम खुद कर लेना बहुत ही आम बात है। ये इसलिए हो पाता है कि इस एंडोस्कोपिक सर्जरी छोटे छोटे कट्स से की जाती है, जिसमें दूरबीन डाल के एक अच्छे तरीके से नर्व पे कंप्रेशन हटाया जाता है और स्क्रूज और केजेस की मदद से अच्छी क्वालिटी का फ्यूजन अचीव किया जा सकता है अगर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं। उम्मीद है इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ है। स्पाइन सर्जरी की अगर आपको ज़रूरत है, आप स्पाइन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं जिसमें कमर दर्द, टांगों में दर्द होना, शियाटिका, स्टेनोसिस, ट्यूमर, इन्फेक्शन आदि में स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट, स्पेशली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अच्छे हाथों में की जाए तो बेहतरीन है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर स्पाइन सर्जरी कराएं और आम जिंदगी में वापस जाएं। धन्यवाद।